मेरे प्यारे देशवासियों, पिछली मन की बात में हमने तय किया था कि इस दीपावली पर कुछ अलग करेंगे। मैंने कहा था, आइए हम सभी इस दीपावली पर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें, यानी भारत की लक्ष्मी का सम्मान। और देखते ही देखते इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर अनगिनत इंस्पिरेशनल स्टोरीज का अंबार लग गया। वारंगल के कोड़ीपाका रमेश ने नमो ऐप पर लिखा कि मेरी मां मेरी शक्ति है। 1990 में जब मेरे पिताजी का निधन हो गया था, तो मेरी मां ने ही पांचों बेटों की जिम्मेदारी उठाई। आज हम पांचों भाई अच्छे प्रोफेशन में हैं। मेरी मां ही मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए सब कुछ है, और वो साच अर्थ में भारत की लक्ष्मी है। रमेश जी, आपके माताजी को मेरे प्रणाम। ट्विटर पर एक्टिव रहने वाली गीतिका स्वामी का कहना है कि उनके लिए मेजर खुशबू कंवर भारत की लक्ष्मी है, जो बस कंडक्टर की बेटी है। उन्होंने असम राइफल्स की ऑल वुमेन टुकड़ी का नेतृत्व किया था। कविता तिवारी जी के लिए तो भारत की लक्ष्मी उनकी बेटी है, जो उनकी ताकत भी है। उन्हें गर्व है कि उनकी बेटी बेहतरीन पेंटिंग करती है। उसने क्लैट की परीक्षा में बहुत अच्छी रैंक भी हासिल की है। वहीं मेघा जैन जी ने लिखा है कि 92 ईयर की 92 साल की एक बुजुर्ग महिला वर्षों से ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मुफ्त में पानी पिलाती है। मेघा जी इस भारत की लक्ष्मी की विनम्रता और करुणा से काफी प्रेरित हुई है। ऐसी अनेक कहानियां लोगों ने शेयर की है, आप जरूर पढ़िए, प्रेरणा लीजिए और खुद भी ऐसा ही कुछ अपने आसपास से शेयर कीजिए। और मेरा भारत की इन सभी लक्ष्मियों को आदरपूर्वक नमन है। मेरे प्यारे देशवासियों, 17वीं शताब्दी की एक सुप्रसिद्ध कवियत्री सांची होन्नम्मा, उन्होंने 17वीं शताब्दी में कन्नड़ भाषा में एक कविता लिखी थी। वो भाव, वो शब्द, भारत की लक्ष्मी, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है जैसे उसका फाउंडेशन 17वीं शताब्दी में ही रच दिया गया था। कितने बढ़िया शब्द, कितने बढ़िया भाव और कितने उत्तम विचार कन्नड़ भाषा की इस कविता में है। पेन्निंद पेरमे गोंडनु हिमवंतनु, पेन्निंद भृगु पेरचिदनु, पेन्निंद जनक रायनु जस वड़ेदनु। अर्थात हिमवंत यानी पर्वत राजा ने अपनी बेटी पार्वती के कारण, ऋषि भृगु ने अपनी बेटी लक्ष्मी के कारण, और राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के कारण प्रसिद्धि पाई है। हमारी बेटियां हमारा गौरव है, और इन बेटियों के महात्म्य से ही हमारे समाज की एक मजबूत पहचान है और उसका उज्जवल भविष्य है।